जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पूर्वी लद्दाख पर चीन के अग्रेसिव एक्शंस को काउंटर करने के लिए आर्मी कर रही है मैसिव अपग्रेड्स। एचएएल ने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर्स को किया कंप्लीट। आर्मी के बाद इंडियन एयरफोर्स ने भी इंडक किए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 2024 तक भारत के UAVs के लिए विकसित किया गया स्वदेशी कावेरी इंजन हो जाएगा डेवलप। पाकिस्तान को चाहिए अमेरिका और भारत जैसे रिश्ते। तो जैसा कि पहले के डिफेंस अपडेट्स में हम आपको ये बता चुके हैं कि LAC पर भारत की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर्स को काफी तेजी से डेवलप किया जा रहा है, तो अब इसी के तहत एक नई रिपोर्ट ये निकल के सामने आई है कि LAC पर इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हिस्से के तौर पर एक खास तरह के 3D प्रिंटेड परमानेंट डिफेंसेस को भी स्थापित किया जाएगा और ये इतने मजबूत होंगे कि ये मात्र 100 मीटर की दूरी से भी T-90 टैंक्स के डायरेक्ट फायर को झेल सकते हैं। और इन परमानेंट डिफेंसेस में स्टैटिक फोर्टिफाइड बंकर्स, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, फॉरवर्ड म्यूनिशन डिपोज, ये सारी चीजें इंक्लूड हैं जिन्हें 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 450 टैंक्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और इन गन्स के अलावा करीब 22,000 ट्रूप्स को केटर करने के लिए पिछले 2 सालों में पूर्व लद्दाख पर कई मॉडर्न और अत्याधुनिक हैबिटेट और टेक्निकल स्टोरेज का निर्माण किया गया है। और इन हैबिटेट्स की खास बात यह है कि ये मूवेबल है, यानी कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराया जा सकता है। और द प्रिंट की इस रिपोर्ट के मुताबिक सोर्सेज का ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में अब जो फोकस है वो परमानेंट डिफेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की तरफ शिफ्ट हुआ है, ताकि जो यहाँ पे बाकी की परियोजनाएं चल रही हैं तो उनको पूरा करने के अलावा जो मौजूदा कामकाजी मौसम में तैयारियां हैं तो उनमें भी सुधार किया जा सके। और सोर्सेज के मुताबिक इन्हें 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है और उनके कई सारे ट्रायल्स भी कंडक्ट ऑलरेडी किए गए हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये IIT गांधीनगर की गाइडेंस के अंडर उनके ही एक्स स्टूडेंट्स के स्टार्टअप्स द्वारा बनाए गए हैं। और साथ में ये भी कंफर्म किया गया कि इस तरह के जो परमानेंट डिफेंसेस हैं तो ये केवल पूर्वी लद्दाख पर ही नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि इन्हें एंटायर LAC पर ही स्थापित किया जा रहा है। और एक बार यहाँ पर सर्दी कम होने के बाद फिर इस परियोजना को पूरी तरह से अगले साल से शुरू किया जाएगा। और इस परमानेंट डिफेंस के हर एक पार्ट का जो मैक्सिमम वेट है वो केवल 40 किलोग्राम है, यानी कि 2 से 3 सोल्जर्स की टीम आसानी से उसे सेटअप कर सकती है। बाकी सोर्सेज की तरफ से भी बताया गया कि इंडियन आर्मी एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस की कुछ नई फैमिली को भी इंडक्ट करने की प्रोसेस में है और एक खास तरह के वेरिएंट के लिए करीब 7 लाख ऑर्डर्स भी दिए गए थे। बाकी इसके अलावा LAC के साथ इंडियन आर्मी और भी अधिक टनल्स और भी अधिक ब्रिजेस को बनाने पर भी काम कर रही है। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि पूर्वी लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में पहली बार सर्वत्र और PMS जैसे असॉल्ट ब्रिज के निर्माण के लिए परीक्षण भी किए गए हैं। इसके अलावा आर्मी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तो इन जगहों पर और भी अधिक रोड और टनल के निर्माण पर भी जोर दे रही है, ताकि आर्मी को अपने ऑपरेशंस तेजी से लॉन्च करने की कैपेबिलिटी मिल सके। इसके अलावा DS DBO रोड पर ब्रिजेस को अपग्रेड करने का कार्य भी जारी है, जो कि अगले साल के मध्य तक कंप्लीट भी हो जाएगा। बाकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बेहद ही जल्द कुछ नए रोड्स के निर्माण को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जो कि मनाली एक्सिस से डायरेक्टली वेस्टर्न लद्दाख और जांस्कर घाटी में एक अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और ये करीब 298 किलोमीटर लंबी रोड होगी, जो कि 2026 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। और इसी में करीब 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब शिंकुलाला टनल भी शामिल है, जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। बाकी जब से पूर्वी लद्दाख और सर क्रिक एरिया पर नए लैंडिंग क्राफ्ट और फास्ट पेट्रोल वेसल्स को इंडक्ट किया गया, तब से ही पेंगोंगशू जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ पेट्रोलिंग भी काफी बढ़ चुकी है। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि सारे डेवलपमेंट पेंगोंगशू लेक के पास चाइना के अग्रेसिव मूवमेंट्स को काउंटर करने के उद्देश्य के साथ है। और जबकि डेजर्ट सेक्टर में इंडियन आर्मी की कोर ऑफ इंजीनियर्स पहली बार इस तरह के 3D प्रिंटेड परमानेंट डिफेंसेस का निर्माण कर रही है, और इसी के तहत जो ऑफिसर्स और JCOs के लिए 3D प्रिंटेड शेल्टर भी बनाए जा रहे हैं, तो उनका निर्माण केवल 25 दिनों के अंदर ही किया जा सकता है और उसमें करीब 64 पर्सनल के अकोमोडेशन की फैसिलिटी होगी। इन परमानेंट डिफेंसेस को केवल 36 से 48 घंटों के अंदर खड़ा किया जा सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी आसानी से ले जाया भी जा सकता है। इंडियन आर्मी के बाद अब इंडियन एयरफोर्स ने भी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार की ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव के तहत अपनी सर्विस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फ्लीट को इंडक्ट किया है। और इस इंडक्शन के तहत टाटा नेक्सो के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडक्ट किए गए हैं। और आज 15 नवंबर को वायु भवन एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फ्लैग ऑफ सेरेमनी कंडक्ट की गई थी। और इस दौरान इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की मौजूदगी में 12 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पहला बैच फ्लैग ऑफ किया गया है। और इंडियन एयरफोर्स प्रोग्रेसिव मैनर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल को बढ़ाने की योजना बना रही है। और जबकि इस ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव के तहत इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक कार्स की खरीद के लिए एयरफोर्स ऑलरेडी आर्मी के साथ मिलकर काम कर रही है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज HAL ने इंडियन कोस्ट गार्ड को 16वां और आखिरी ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर भी हैंडओवर कर दिया है, यानी कि जो 16 ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर्स प्लेस किए गए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और बाकी आज 16वां ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर हैंडओवर करने के साथ ही HAL को आज ही इंडियन कोस्ट गार्ड से 9 और ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है।
भारत और अमेरिका की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, जिसका 18वां एडिशन इस महीने उत्तराखंड में आयोजित करने के लिए शेड्यूल किया गया है। तो बता दें कि इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए यूएस आर्मी की 11th एयरबॉर्न डिवीजन की 2nd ब्रिगेड के सोल्जर्स आज भारत पहुंच चुके हैं और इस युद्ध अभ्यास में इंडियन आर्मी की तरफ से असम रेजिमेंट के सोल्जर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस दौरान इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के एम्प्लॉयमेंट पर भी फोकस करने के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल की गई है और इसमें पीस कीपिंग और पीस एनफोर्समेंट से रिलेटेड सभी ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जाएगा और साथ ही साथ इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस भी इंक्लूड रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के ट्रूप्स अपनी कॉम्बैट स्किल्स एक्सचेंज करेंगे, उन्हें प्रैक्टिस करेंगे और इसमें अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के एम्प्लॉयमेंट और इसको काउंटर करने की टेक्निक्स और इन्फॉर्मेशन ऑपरेशंस भी इंक्लूड रहने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये उत्तराखंड के औली में आयोजित होगी और ये जगह एलएसी के काफी करीब भी है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि आर्मी ने 84mm रॉकेट लॉन्चर के लिए नाइट साइट की खरीद के लिए RFI जारी करी है और इस RFI के मुताबिक इंडियन आर्मी करीब 3400 नाइट साइट्स और अपने 84mm रॉकेट लॉन्चर कार्ल गुस्ताव MK3 के लिए करीब 3400 यानी कि 3400 टेलीस्कोपिक ब्रैकेट असेंबली को भी खरीदना चाहती है और ये खरीद बाय इंडियन कैटेगरी के तहत ही होगी। बाकी इसके लिए जो RFP है वो अगले साल जनवरी तक जारी होने की उम्मीद है। आज बाली में G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है। ये जो समिट है ये 2 दिन चलेगी और इस दौरान दुनिया के सभी महत्वपूर्ण लीडर्स कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस को डिस्कस करने के लिए एक साथ आएंगे और इसलिए इस समिट के आज पहले दिन जहां एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने US, UK, फ्रांस तो इन सभी के काउंटर पार्ट्स के साथ बात करी, तो वहीं इसी बीच आज डिनर के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति से भी हुई है, जो कि अप्रैल 2020 में भारत और चीन के बीच शुरू हुए लद्दाख वाले स्टैंड ऑफ के बाद से ये उनकी इस तरह की आमने सामने की पहली मीटिंग है। बाकी इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने G20 को आग्रह किया है कि वो शांति को फिर से स्थापित करने के लिए यूक्रेन की योजनाओं को अपनाएं और जबकि यूक्रेन रशिया वाले मामले पर भारतीय प्रधानमंत्री का कहना था कि इस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान करने के लिए सीज फायर और डिप्लोमेसी के रास्ते पर वापस आने की जरूरत है और इतना ही नहीं बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री ने इस दौरान एनर्जी सप्लाई के किसी भी तरह के प्रतिबंध का विरोध भी किया है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री का कहना था कि भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो ग्लोबल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भारत है वो दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और इसलिए हमें एनर्जी सप्लाई पर किसी भी तरह के प्रतिबंध को प्रमोट नहीं करना चाहिए और एनर्जी मार्केट में स्थिरता आए तो इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2030 तक भारत की जो आधी इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट की जाएगी और भारत क्लीन एनर्जी और एनवायरमेंट के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि भारतीय प्रधानमंत्री कल इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और UK के साथ बायलेटरल मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे। न्यूज 18 की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट देखने को मिला है कि भारत के स्वदेशी UAVs को पावर देने के लिए कावेरी इंजन प्रोग्राम के ही एक डेरिवेटिव का जो डेवलपमेंट है वो 2024 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। जैसे कि ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि जो घातक UCAV प्रोग्राम है तो उसको पावर देने के लिए स्वदेशी इंजन को ही विकसित किया जा रहा है, जो कि कावेरी इंजन प्रोग्राम का ही खास डेरिवेटिव होगा और कोर सोर्सेज के मुताबिक अभी उस डेरिवेटिव का नाम घातक भी रख दिया गया है। हालांकि ये नाम परमानेंटली रखा गया है या फिर टेम्परेरी बेसिस पर, तो इस पर अभी कुछ कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन न्यूज 18 की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है तो उसके मुताबिक कावेरी इंजन का जो एक खास डेरिवेटिव है जो कि भारत के मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जैसे UAVs को पावर देने के लिए विकसित किया जा रहा है, तो उसका विकास कार्य 2024 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। और अभी वर्तमान समय में इसके सर्टिफिकेशन लेवल ग्राउंड टेस्ट और एल्टीट्यूड टेस्ट चल रहे हैं और ये एक नॉन आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है जो कि 46 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और इसका मैक्सिमम वेट है 1180 किलोग्राम। और DRDO ऑफिशियल्स के मुताबिक इस पूरे कावेरी इंजन प्रोग्राम में हमने जो भी सीखा है तो उससे में इंजन की इस क्लास में स्वदेशी कंटेंट को 80% तक हासिल करने में मदद मिली है। और खैर बाकी एक अपडेट ये भी है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि वे चाहते हैं कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ एक गरिमापूर्ण संबंध हो जैसा कि वो भारत के साथ साझा करता है। वैसे कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि ये जानबूझकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं या फिर ये गलती से हो जाते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया। एक तरफ इमरान खान ये कह रहे हैं कि US का रिलेशन पाकिस्तान के साथ वैसे ही हो जैसे कि भारत के साथ हैं और अभी कुछ ही महीनों पहले इमरान खान ने ये क्लेम किया था कि उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाने के पीछे US का हाथ है। अब ऐसे कैसे गरिमापूर्ण संबंध बनेंगे ये तो पता नहीं। और वैसे भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की हरकत जिस तरह की रहती है तो उससे तो हमें केवल एक ही चीज दिखाई देती है कि US और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस केवल मालिक और नौकर वाले हो सकते हैं और केवल US ही नहीं बल्कि बाकी के साथ भी, क्योंकि पाकिस्तान ने शायद किसी को छोड़ा भी नहीं है जिससे उन्हें कुछ मांगा ना हो। और चलो मांगा वो ठीक है, लेकिन अगर उस चीज का इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी खुद की कंट्री को ग्रो करने में लगाता तब भी एक बार के लिए काफी कुछ कहा जा सकता था, बल्कि यहाँ पे उल्टा होता। पाकिस्तान का जो भी मदद मिलती है तो उसका वो सारा इस्तेमाल करता है उसके वहाँ मौजूद उन सुअरों के संगठनों को पालने के लिए जो पहले से ही धरती पर बोझ है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ये चाहेगी कि उन्हें हर जगह इज्जत मिले। और खैर अब इस पर और क्या ही कहें, आपको कुछ कहना है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1987 में ऑपरेशन पवन के दौरान
हवलदार नयपाल सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1965 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार दीनानाथ वीरगति को प्राप्त हुए थे और मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1962 में एक मैसिव चाइनीज अटैक को फेस करते हुए लेफ्टिनेंट योगराज पाल्टा वीरगति को प्राप्त हुए थे और मरणोपरांत इन्हें भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का सवाल, इस साल मार्च में भारत की एक मिसाइल एक्सीडेंटली फायर होकर कौन से देश में चली गई थी? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।